जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बड़ा अपडेट आ रहा है। बजट इलेक्शन ईयर 1 साल एडवांस में दे दिया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हरियाणा के प्रत्येक सेक्टर को कैसे आधुनिक बनाया जाए, उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बतौर वित्त मंत्री बहुत अच्छा बजट पेश किया है। चाहे वह इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो और चाहे वो एविएशन सेक्टर का हो। और वहीं आपको बता दिया जाए कि हर सेक्टर से सरकार ने अपना नया विजन विजन जनता को दर्शाया है। मैं जानता हूँ कि जो हम इलेक्शन ईयर्स बजट कहते हैं, वह तो हमने 1 साल पहले ही एडवांस में उसे विजन का बजट प्रदेश की जनता को दे दिया है। विपक्ष का काम ये वही है कि चीज़ कांग्रेस आज कर रही है, मगर चाहे बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी हो या फिर सीमा बुजुर्गों की 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दी गई है, चाहे वो 2200 करोड़ रुपए और स्टार्टअप के लिए इस तरीके से सीड फंड वेंचर कैपिटल खड़ा कर दिया गया हो। और वहीं आपको बता दिया कि सरकार ने एविएशन सेक्टर को बढ़ाने समेत हर क्षेत्र प्रत्येक वर्ग को कैसे लाभ मिले, उस पर सरकार ने काम किया है। खास तौर पर हमारे जो खिलाड़ी घायल हो जाते हैं उनके लिए और चंडीगढ़ राज योजना शुरू की है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग।